काम ना करने वाले के लिए महंगाई है, करने वाले क्या महंगाई, उसके लिए सब बराबर है, तो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे, तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब क्या है, हम तो ये बात जानते हैं, मतलब नहीं, भाई तो है, अरे भाई था अलग रह रहा वो, अब उसका मतलब क्या है। अब नई पीढ़ी को चाहिए कि हमें सुकून मिले, अब सुकून वहाँ नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ बेचारा यहाँ हम आ जाए, यानी हिंदुस्तान में सुकून है आप मान रहे हैं। हाँ यहाँ सुकून है। अच्छा और क्या, इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में हम आ जाए। हाँ ये बस मुझे ये चक्कर है, पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान में आटा चावल दाल या फिर पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है। इतनी बुरी हालत है कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो खुद ये कह रहा है कि अब हमें हिंदुस्तान में विलय कर देना चाहिए। चलिए हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत करते हैं कि पाकिस्तान पर उनकी क्या राय है, किस तरीके से वहाँ पर ये मांग उठ रही है कि हमें हिंदुस्तान में विलय पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। पर भी तो लोग उनकी माली स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई पाकिस्तान, उनके हालात ऐसे जो बोगे वो तो काटना पड़ेगा, उसमें क्या बात है, वह माली हालात हो गई है, कुछ भी हो गई तो उनका जो उन्होंने किया वो सामने आएगा। इतनी महंगाई हो गई वहाँ पर, चावल दूध ले लो 400 रुपए लीटर दूध मिल रहा है। हाँ तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो महंगाई उनकी वजह से हो रही है ना। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग हमें शामिल कर लें, पाकिस्तान जो अलग हो गया था 1947 में, अब हिंदुस्तान में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में विलय कर दो। तो ये बात उनको पहले जबकि क्यों नहीं याद आई, अब क्यों याद आ रही है। यहाँ का आदमी तो फिर ही मस्त है, बढ़िया है, यहाँ का खुशहाल है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है खा रहा है, मेहनत कर रहा है और खा रहा है और काम की कोई कमी नहीं है, ये भी बात सुन लो बस। यानी काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं, कहीं भी कमी नहीं, खुशहाली है, बढ़िया है। यहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मोदी ने महंगाई कर दी, वो कहने वाले उनके लिए काम नहीं, वो काम करने वाले नहीं होने के, काम की बहुत कमी नहीं है, काम बहुत है, काम करने वाले की कमी है, करने वाले की कमी है, काम की कमी नहीं है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो हालत हो गई है, अब वो कह रहे हैं वहाँ के लोग कि भैया हम पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे, दूध नहीं खरीद पा रहे, इतनी महंगाई है, अब हमें हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए। या मेरे भाई, हमें तो भारत से मतलब है। क्या कह रहे हैं, हमें तो भारत से मतलब है, हमें पाकिस्तान से मतलब क्या, हम तो भारत का हिस्सा था, हम तो भारतवासी हैं, वो भी हिस्सा तो भारत का ही है, तो भारत अब तो अलग हट गया ना, वो अब तो अलग ही है, वो अब तो अलग ही है, अब तो हम तो हिस्सा मतलब है, हमें खुशहाली है, चैन है, सुकून है, उसका चाहिए या खुशहाली है। यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी महंगाई कर रही है, मोदी जब से आया महंगाई होती जा रही है, तो काम ना करने वाले के लिए महंगाई है, करने वाले क्या महंगाई, उसके लिए सब बराबर है, तो मिल रहा है खाने को, काम करेगा खाएगा, ना करेगा ना खाएगा। पाकिस्तान वाले भी तो काम करते होंगे, तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान मतलब क्या है, हम तो ये बात जानते हैं, मतलब नहीं, भाई तो है, अरे भाई था अलग रह रहा वो, अब उसका मतलब क्या है। भाई ये कल क्यों नहीं सोचा, आज क्यों कह रहा हो, ये कल क्यों नहीं सोचा, कल भी तो एक ही थे भाई, कल एक थे तो आज क्यों कह रहा हूँ, तो कल क्यों अलग हुए हैं, बस पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहे, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, तो वो हमारा ही है ना। अरे सब भाई है, अपना सगा भाई तो हो नहीं रहा, उस भाई को चलिए गलती हो गई, अब हालत खराब है, हो जाने, भूखा मर जाओ, हमारे से साले मर जाओ, हमें अपनी इंडिया से मतलब है, यहाँ की मातृभूमि है हमारी, हम यहाँ पैदा हुए हैं। चाचा एक बात बताइए, पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान वाले अपने हिंदुस्तान में ले लो, हालत खराब है वहाँ पे, आटा नहीं, पानी नहीं, चाय नहीं, दाल सब्जी दूध सब महंगा। हाँ तो हम महंगा है, समझ में आई, वो लोग आना चाहे वृद्धा मंदिर चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर लाके, हाँ रख सकते हैं, जो अब बात वहाँ जो हैं लोग, समझ में आई, वो आना चाह रहे वृद्धा मंदिर क्या है तो यहाँ बुला सकते हैं उनको। लोग कह रहे हैं कि फिर गए क्यों थे, अलग क्यों किया था हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर आ जाना चाह रहे तो? ये बात वो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, वो पहले वाले आदमी जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा, अब समझ लो नई पीढ़ी चल रही है, भाई साहब आप तो समझदार हैं, नई पीढ़ी चल रही है, अब नई पीढ़ी को चाहिए कि हमें सुकून मिले, अब सुकून वहाँ नहीं है, यहाँ सुकून है तो यहाँ बेचारा यहाँ हम आ जाए, यानी हिंदुस्तान में सुकून है आप मान रहे हैं। हाँ यहाँ सुकून है। अच्छा और क्या, इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में हम आ जाए। हाँ ये बस मुझे ये चक्कर है कि वहाँ मतलब तकलीफ है, यहाँ पर आराम मिल जाएगी, उन्हें आ जाएंगे और क्या, अपने भाइयों से मिल लेंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो ये भाई 75-76 साल में जब गरीबी आई, महंगाई आई, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तभी उनके याद आया कि
नहीं हाँ जो ये तो गलत बात है। जब हर चीज़ महंगी हो गई तब तुम्हें याद आ रही है कि हम अपने इंडिया में जाएंगे, ये गलत है। उनका मंसूबा उनको पहले ही से इस बार सोचना चाहिए कि हमें अपने एक ही दोनों इकट्ठे हो जाएं, अपने आपस में भाई भाई हो जाएं। बस बात करें हाँ क्यों हो गई इतनी गरीबी वहाँ पे, क्यों महंगाई हो गई इतनी चाचा, क्या रीजन? अब तो साहब क्या बताएं, हम तो मेढक है कुएं में उड़ रहे, काम बताएं अब क्या चीज़ बताएं आपको, ये बताइए आप। हम ना आने के ना जाने कहीं टूटे टाटे हैं बुड्ढे, ये है सब। पाकिस्तान के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में विलय कर लो, पाकिस्तान में मालूम कर जाकर जब पता चलेगा, हम क्या बताएं। क्या यहाँ पर खुशहाल है लोग? खुशहाल कहाँ है, कोई खुशहाल नहीं है। गरीब आदमी से पूछो कितना खुशहाल है। यानी बेरोजगारी महंगाई पाकिस्तान से ज्यादा है कि हिंदुस्तान में? पाकिस्तान की बात करो, अपने हिंदुस्तान की बात करो, नहीं पाकिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान वाले तो खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मिला लो, हमारी हालत खराब हो गई है। हमें उससे लेना देना क्या, हम हिंदुस्तान की बात तो हमारा ही, हमारे था जब था, अब खत्म हो गया उसका कहानी। भाईचारा खत्म, भाईचारा तो पूरी जिंदगी सब पूरी दुनिया वाले भाईचारा करते हैं। पाकिस्तान से भाईबंदी खत्म, भाई बंदी पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से क्या वो गैर थोड़ी है। हाँ। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ दूध महंगा, 400 रुपए लीटर दूध, आटा महंगा, सब्जी महंगी, तेल महंगा, हम कैसे रहें कैसे जी। अपने हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं करते, वहाँ तुर्किस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे भाई, अपनी हिंदुस्तान जहाँ रहा उसकी तो बात करो, हम थोड़े जानते हैं। तो हम किसके पास जाएंगे? हम खुदा के पास से, अल्लाह ताला से दुआ करो वो देगा। से पहले हम किसके पास जाएं? किसी के पास नहीं जाएंगे, खुदा से मांगो, मेहनत करो, मजदूरी करो, वही खुदा की जात देने वाली है। पाकिस्तान के लोग भी तो मेहनत मजदूरी कर रहे होंगे, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को भी तो मान रहे होंगे। उनकी इतनी महंगाई कैसे हो गई? उनकी जरूरत वो पूरा करेगा खुदा, हम थोड़ी जरूरत पूरा कर पाएंगे नहीं। तो ये है तस्वीर हिंदुस्तान की, पाकिस्तान में जैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और बिलबिला रहे हैं भूख से वहाँ के लोग, उसके बाद वहाँ के लोग खुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और हमारे हिंदुस्तान, हमारे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय कर लेना चाहिए, तभी शायद पाकिस्तान की माली हालत ठीक हो सकती है। लेकिन इस पर हिंदुस्तान के लोगों का क्या विचार है, क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।